Hey there, I am Shivai and you are on movie explained in Hindi by Shivai. तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द स्लीपिंग डिक्शनरी और ये रिलीज हुई थी ईयर 2003 में. मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. तो दोस्तों आज की इस मूवी में देखने वाले हो आप एक ऐसे कल्ट को जहाँ के रिवाज तो कुछ ज्यादा ही अजीब है और कुछ ज्यादा ही हवसी है. तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं. पर उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. हमारा एक सेकेंड चैनल भी है जहाँ पर इससे भी ज्यादा हाई लेवल की मूवीज एक्सप्लेन करते हैं. तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो मूवी स्टार्ट होती है हमारे कंपट दास से. दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंपट दास की भी गवर्नमेंट जॉब लगी है. जैसे हमारी तरफ सिर्फ शर्मा जी के बेटों की ही लगती है, हमारी तो घंटा लगती ही नहीं. तो भाई साहब की नौकरी तो लग गई है पर यहाँ की गवर्नमेंट का एक रूल है कि तुम्हें तब तक जॉब नहीं मिलेगी जब तक तुम कोई दो लैंग्वेज नहीं सीख लेते. इसीलिए भाई साहब को भेजा जा रहा है दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए और ये जा रहे हैं एक सारावाग नाम के प्लेस पर. मेरे भाई ये एक बहुत पिछड़ा हुआ शहर है जहाँ पर लोग कल्ट में रहते हैं. तो यहाँ पर इनको रिसीव करने आया है ये सूतिया नंदन. के बाद ये बंदा इसीलिए जाता है यहाँ के हेड ऑफिसर के पास. दोस्तों इनका नाम हेनरी है. तो यहाँ पहुंच करके हेनरी ने कंपट दास से पूछा कि यार तुम यहाँ पर जॉब करने क्यों चले आए. इस पर कंपट उसे जवाब देते हुए कहता है कि अंकल बात ऐसी है ना कि जो हमारे पापा थे वो बहुत चूतिया टाइप आदमी थे. उन्होंने सोचा था कि वो इस कल्ट में आकर के इस कल्ट के लोगों का भला करेंगे लेकिन हुआ ऐसा कि वो एक वॉर में पेले गए और अब मैं बड़ा हुआ हूँ तो मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ. तो हेनरी भी उसकी बात मान करके उन्हें पहुंचा देता है उस कबीले के पास. यहाँ पर कबीले के सभी लोग बैठे हुए थे. तो अपना कंपट बताता है कि वो यहाँ पर आया है उनके तौर तरीके, उनकी लैंग्वेज, उनका रहन सहन वगैरह सीखने के लिए, जिस पर वो लोग भी एग्री कर जाते हैं. जिसके बाद वो लोग कंपट को अपने साथ बिठाते हैं और यहाँ पर बिठा करके उसके लिए दारू पेश करते हैं. अब कंपट दारू तो पीता नहीं है तो वो मना कर देता है. पर इस पर सूतिया नंदन ने अगर कहा कि देखो बेटा अगर तुम दारू नहीं पियोगे ना तो ये लोग बुरा मान जाएंगे क्योंकि अगर हम कुछ किसी को ऑफर करते हैं और वो ना पिए तो इसका मतलब कि वो हमारा अपमान कर रहा है. तो अब यहाँ पर कंपट बेचारा फंस गया है. वो दारू नहीं पिएगा तो ये लोग नाराज हो जाएंगे. इसलिए कंपट ना चाहते हुए भी दारू के लिए हाँ बोल देता है और यहाँ पर उसके लिए शराब लेकर आती है एक लड़की. दोस्तों इस लड़की का नाम है सलीमा. तो वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है जिसके बाद वो लोग कंपट को खुश करने के लिए कई सारी लड़कियों का मुजरा करवाते हैं. यहाँ पर सलीमा भी मुजरा कर रही थी. ये देख करके जॉन को इतना एंजॉयमेंट तो नहीं होता पर वहाँ के लोगों को बड़ा मजा आता है. अब मुजरा दिखाने के बाद वो लोग कंपट से कहते हैं कि चलो भाई सब अब आप भी तो कुछ दिखाओ. जिसके बाद कंपट खड़ा होकर के वहां पर एक कविता सुनाता है. अब उसकी कविता इतनी ज्यादा उबाऊ थी कि उनमें से किसी को मजा ही नहीं आता. अब भाई साहब इज्जत का सवाल आ गया है तो अपना कंपट सूतिया नंदन को उठा करके उसके साथ कपल डांस करने लगता है. ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगती है और वो सभी के सभी हंसते हंसते फूल जाते हैं. इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह. यहाँ पर वही बड़ा वाला ऑफिसर हेनरी आया है सलीमा को अपने साथ लेकर के. वो कहता है कि सलीमा ने तुम्हें चूज किया है तुम्हारी स्लीपिंग डिक्शनरी बनने के लिए. कंपट सोच करके हैरान हो जाता है कि भाई साहब मैं सीखने तो ग्रामर आया हूँ, ये मुझे बायो क्यों सिखा रही है. तो हेनरी कहता है कि देखो अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ सीखना है तो इनके रिवाज मानने पड़ेंगे. इनके रिवाज यही है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इनकी ही कल्ट की किसी लड़की को आपको अपने साथ रखना पड़ेगा और उसके साथ पेलन कार्यक्रम करना पड़ेगा. कंपट जो कि बेचारा बहुत सीधा है तो उसे ना चाहते हुए भी सलीमा को अपने पास रखना पड़ता है. पर वो डिसाइड करता है कि वो सलीमा के साथ पेलन कार्यक्रम नहीं करेगा. वो सभी के सभी लोग कंपट को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है यार, तुम्हें जब पेलने को मिल रही है तो तुम क्यों नहीं पेल रहे हो. पर फिर भी जॉन उन्हें मना कर रहा था. खैर इस बात से वो सभी नाराज हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं पर सलीमा उसके साथ ही स्टे करती है. खैर वो पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है पर वो लोग कुछ भी नहीं करते. अगले दिन जो जॉन का सेफ था वो अपने भतीजे को अपने साथ मिलाता है और उसे जॉन से मिलाता है. कहता है ये लो तुम इसके साथ पेलन कार्यक्रम करना. अब भाई साहब ये तो होना ही था क्योंकि जो उसका सेफ था वो ये सोच रहा था कि जॉन एक गे है. तभी उसे सलीमा में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा. मैं यहाँ पर सेफ की गलती नहीं कहूंगा, उसने बिल्कुल सही कहा. अब भाई साहब तुम सलीमा को पेल नहीं रहे हो, सब लोग इतना कह रहे हैं फिर भी नहीं पेल रहे हो, तो वो क्या मैं भी तुम्हें गे ही समझूंगा. तो ये जब कंपट ने देखा कि उसका सेफ उसे गे समझता है तो उसे बहुत गुस्सा आया. तो वो सेफ को अच्छे से झाड़ता है. इसके बाद वो सलीमा पर भी बहुत गुस्सा करता है और वहां से जाने के लिए बोलता है. सलीमा भी गुस्से से वहां से चली जाती है. जिसके बाद जॉन सो जाता है. पर जब वो अगले दिन सुबह उठा तो उसने देखा सलीमा कहीं पर भी नहीं गई है और वो उसके घर के पास में ही एक छोटी सी जगह में सो रही है. ये देख करके उसे बहुत दुख होता है कि आखिर सलीमा गई क्यों नहीं. जिस पर वो सेफ कंपट को क्लियर करता है कि अगर सलीमा यहाँ से चली गई तो पूरे कल्ट के लोग उससे बहुत गंदा मानेंगे क्योंकि आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जो किसी लड़के को अट्रैक्ट न कर पाई, इसका मतलब है कि वो बहुत गंदी है. अब भाई सब यहाँ पर कंपट को दुख होता है अपने डिसीजन पर. तो वो सलीमा से माफी मांगता है और कहता है कि चलो ठीक है तुम मेरे साथ में रहना. पर उसी रात हम फिर से देखते हैं कि वो लोग रहते तो एक घर में पर फिर भी वो लोग अलग अलग सोते हैं क्योंकि जॉन अभी भी उसके साथ टपाटप नहीं करना चाहता था. खैर उसी रात वो लोग कुछ बातें करते हैं जिस पर उसने सलीमा से पूछा कि आखिर इन सब में से तुमने मुझे ही क्यों चूज किया. जिस
पर सलीमा कहती है कि तुम मुझे सभी लोगों से अलग लगे, इससे पहले जितने भी ऑफिसर आए थे तुम उन सभी में से सबसे अच्छे हो। पर इसी बीच वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को टच करने लगते हैं, पर यहाँ पर एक बार फिर से गंपट अपना रोना स्टार्ट कर देता है, जिस पर सलीमा उसे एक शायरी सुनाती है। वो कहती है कि आ जाओ दिल की बात बताऊं आपको, बिल्कुल बच्चों जैसे जिद पर अड़े हो, चलो बच्चों जैसे ही दूध पिलाऊं आपको, अब मान भी जाओ और कितना मनाऊं आपको, और हाँ थकना मत, अभी तुमसे 10-12 राउंड और लगवाऊंगी। अब उसकी ये शायरी सुन करके अपना कंपट भी पिघल जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच धुआंधार पेलन कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है और ये चलता है इनका पूरी रात, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनका ये पेलन कार्यक्रम अब हर रोज हर समय दिन में कई कई बार होना स्टार्ट हो जाता है। खैर एक दिन हेनरी के घर में पार्टी थी, क्योंकि यहाँ पर उसकी बेटी बाहर से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके वापस आई थी और इसी बात के लिए हेनरी ने पार्टी दी है। दोस्तों उसकी बेटी का नाम सेसिल है और वो पूछती है कि अगर कोई दो लोग भी मजबूरी से साथ में रह रहे हो तो क्या उन दोनों के बीच फीलिंग आ सकती है। इस पर उसके पापा हेनरी कहते हैं कि नहीं ऐसा कभी नहीं होता, पर यहाँ पर अपना कंपट कहता है कि नहीं ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा उसके साथ हो भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपना कंपट अब सलीमा को प्यार करने लगा है। और ये चीज हम देखते हैं पार्टी खत्म होने के बाद, जब कंपट घर वापस जाता है तो वो सलीमा को किस करता है। खैर अगले दिन सहसिल कंपट को लेकर के जाती है यहाँ के लोगों की फोटोज वगैरह क्लिक करने। लोगों को एक्सप्लोर करते करते वो सलीमा के पास भी पहुंच जाती है और कहती है कि तुम अच्छी लग रही हो, मैं तुम्हारी फोटो क्लिक करूंगी। पर दोस्तों सलीमा को फोटोज वगैरह क्लिक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो कंपट से कहती है कि तुम इससे कहो मेरी फोटो ना क्लिक करें। पर भाई साहब कंपट एक छोटा ऑफिसर है और हेनरी उससे बड़ा ऑफिसर है, उसके बड़े ऑफिसर की बेटी बोल रही है, तो यहाँ पर कंपट भी उससे कुछ नहीं कह सकता था, जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी उसकी फोटोज को क्लिक करवाता है। इसके बाद जब वो लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पास के ही कबीले में कुछ लोग रहते हैं जिनकी डेड बॉडीज बह बहकर यहाँ तक आ गई हैं। अब उन्हें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि उनकी डेड बॉडीज बहकर यहाँ कैसे आ सकती हैं। इस बात की जांच करने के लिए अपना कंपट कहता है कि मैं वहां पर जाकर इसकी जांच करूंगा, पर हेनरी और उसकी वाइफ मना करते हैं कि तुम वहां पर मत जाओ क्योंकि वहां के कबीले वाले पता नहीं कैसे हो और तुम्हें तो उनकी लैंग्वेज भी नहीं आती। यहाँ पर कंपट को अपने पापा की बात याद आ गई कि हमें समाज का कल्याण करना है, तो वो कहता है कि मुझे इन लोगों को बचाना ही होगा, मैं कैसे भी करके वहां पर चला जाऊंगा। तो वो डिसाइड करता है कि मैं सलीमा और सूतिया नंदन को अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बाद कंपट जब वापस घर पहुंचा सलीमा के पास तो सलीमा उससे बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर कि आखिर तुमने सेसिल से मेरी फोटोज क्यों क्लिक करवाई जबकि मैं तुम्हें मना कर रही थी। खैर इसके बाद जॉन किसी तरह से उससे मना लेता है और वो सभी लोग अगले दिन जाते हैं उस दूसरे वाले कल्ट में। यहाँ पहुंच करके उन्होंने देखा कि वहां पर ऑलरेडी कई सारे लोग मरे हुए पड़े हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतने सारे लोग एक साथ कैसे मर सकते हैं। वो लोग कुछ देख पाते इससे पहले ही कोई बंदा कंपट पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर अपना सूत्यानंदन फुर्ती दिखाते हुए उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो लोग उसी बंदे का पीछा करते करते जाते हैं। और कुछ दूर जाकर के उन्होंने देखा कि कुछ बड़े ऑफिसर्स यहाँ पर हैं जो कि सिल्वर की माइनिंग कर रहे हैं। वहां पर बहुत सारे लोग थे और ये बेचारे दो ही थे, तो ये वापस चले आते हैं। लेकिन जब ये वापस लौट कर आए तब इन्होंने देखा कि सलीमा की भी कंडीशन बहुत खराब हो गई है, जिस पर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कंडीशन कैसे खराब हो गई, तुमने क्या किया, जिस पर सलीमा कहती है कि मैंने तो बस थोड़े से चावल ही खाए थे, जिससे लोग समझ जाते हैं कि यहाँ के चावल में ही कुछ इशू है। और थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद इन्हें एक सेकंड नहीं लगता ये समझने में कि वो जो लोग यहाँ पर सिल्वर की माइनिंग कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने यहाँ के चावल में जहर मिलाया है, और ये जो जहर है वो एक स्लो पॉइजन है, मतलब इसे तुरंत नहीं मरते हैं, धीरे धीरे करके मरते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को शक ना हो कि ये लोग चावल खाने से मर रहे थे। तो इस पर अपने कंपट को बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग अपने प्रॉफिट के लिए इन लोगों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, जिस पर वो सूतिया की हेल्प से उन सभी लोगों को मार देता है। पर इतने में ही वहां पर कल्ट के लोग आ जाते हैं। अब जॉन को तो यहाँ की कल्ट की लैंग्वेज नहीं आती, तो वो लोग भी उसे अपना दुश्मन समझने लगते हैं, पर सलीमा को यहाँ की लैंग्वेज आती थी, तो वो उन सभी से कहती है कि ये कंपट नहीं तो तुम्हारी जान बचाई है, तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो, जिसके बाद वो कल्ट वाले लोग कंपट से बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ से जाते जाते अपना कंपट सलीमा को अपने दिल की बात भी बता देता है, जिसके बाद वो दोनों चुंबन क्रिया करते हैं। यहाँ पर वो दोनों ही डाउट में थे कि आखिर लोग शादी करेंगे कैसे, वहां के लोग करने देंगे क्या। तो यहाँ से कंपट सीधा पहुंचता है हेनरी के पास और उससे कहता है कि देखो मुझे सलीमा से शादी करनी है, पर हेनरी उसे मना करता है कि आखिर तुम कैसे शादी कर सकते हो उसके साथ, वो तुम्हारी स्लीपिंग डिक्शनरी थी ना कि तुम्हारी वाइफ। इतने में ही वहां पर हेनरी की वाइफ भी आ जाती है, जो उससे कहती है कि यार आखिर तुम कब तक एक से ही काम चलाते रहोगे, उसको छोड़ो तुम मेरी बेटी ले लो। पर भाई साहब प्यार अंधा हो गए है ना, तो कंपट कहता है कि नहीं मैं आपकी बेटी नहीं लूंगा, मुझे सलीमा से ही शादी करनी है, जिसके बाद वो सीधा चला जाता है सलीमा के पास। दूसरी तरफ हम देखते हैं सलीमा को, जिसने अपने कल्ट में बताया है कि उसे कंपट से शादी करनी है, पर कल्ट के लोग तो बिल्कुल भी नहीं एग्री करने वाले, तो वो लोग उसे जेल में डाल देते हैं। अब कंपट को जैसे ही पता चला कि सलीमा जेल में है, तो वो उड़ता मजनू की तरह सीधा वहां पर पहुंच जाता है और सलीमा को छुड़ाने की कोशिश करता है। इतने में ही वहां पर हेनरी और कल्ट के बड़े बड़े लीडर भी आ गए। वो लोग सलीमा से कहते हैं कि अगर तुम दोनों एक दूसरे की जान बचाना चाहते हो तो एक दूसरे का साथ छोड़ दो, वरना तुम दोनों का मिलन तो जरूर होगा पर यहाँ धरती में नहीं ऊपर स्वर्ग में। अब भाई साहब कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो
सलीम अभी मना कर देती है कि ठीक है कम्फर्ट मेरे साथ शादी नहीं करेगा। खैर इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेसिल और कम्फर्ट की शादी एक चर्च में हो रही है। यहाँ पर सेसिल को ऑलरेडी पता है कम्फर्ट की स्लीपिंग डिक्शनरी के बारे में, पर फिर भी वो इस बात के लिए कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद वो लोग पेलन कार्यक्रम करते हैं और फाइनली एक साल कम्प्लीट हो गया है तो कम्फर्ट डिसाइड करता है कि वो वापस जाएगा कल्ट में घूमने के लिए। जिसके बाद वो कबीले वाले सेसिल और कम्फर्ट का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, पर यहाँ पर कम्फर्ट अभी भी अपनी पुरानी लैला सलीमा को ढूंढ रही है। सेसिल को समझ आ जाता है कि शायद वो अभी भी सलीमा को मिस कर रहा है, तो इस पर सेसिल उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जाने के बाद सलीमा की शादी हो गई थी, वो भी सूतिया नंदन के साथ, तो तुम अब उसे मिस मत करो, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। पर इस पर भी कम्फर्ट को घंटा समझ नहीं आता, तो अगले दिन वो सलीमा को ढूंढते ढूंढते पहुंचता है अपने पुराने वाले घर जहां पर उसे एक दूसरा ऑफिसर मिला। दोस्तों इसको भी एक स्लीपिंग ब्यूटी दी गई थी पर ये बहुत कमीना था, इसने अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को बहुत मारा था। ये चीज जब कम्फर्ट देखता है तो वो उस ऑफिसर से कहता है कि बेटा आज तक तो तुमने कर लिया, मैंने नहीं देखा था, पर आज से मैं देख रहा हूँ, अगर तुमने एक बार भी से और मारा तो जो तुम्हारा तोता है वो मैं उड़ा दूंगा। इसके बाद जॉन देखता है सलीमा को जो अपने बेटे को खिला रही थी। यहाँ पर उसने नोटिस किया कि जो सलीमा का बेटा है वो यहाँ के लोगों से कुछ ज्यादा ही गोरा है, और ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे याद आया कि भाई साहब मैं भी तो गोरा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं इस पौधे का बीज मेरा ही हो। जिसके बाद वो ये बात कन्फर्म करने के लिए पहुंचता है उसी सेफ के पास, जहाँ पर उसने सेफ से पूछा कि चाचा तुम मुझे ये बताओ कि जो सलीमा का लड़का है वो मेरा है क्या। तो इस पर चाचा ने कहा, पहली बात तो तू मुझे चाचा मत बोल, ना मैं तेरा चाचा ना तू मेरा भतीजा, ना मैं तेरा चाचा ना तू मेरा भतीजा, और वो जो बच्चा है ना वो है तेरी उसी रात का नतीजा, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं क्योंकि तुम शहर चले गए थे लगा के वीजा। यहाँ पर सलीमा प्रेग्नेंट हुई और तुम बन गए उसकी बहन के जीजा। अब ये सुनकर के कम्फर्ट को भी क्लियर हो गया है कि हाँ वो उसका ही बेटा है। जिसके बाद वो चाचा को किसी तरह से तेल पानी लगा करके मना लेता है कि प्लीज आप एक बार सलीमा को मुझसे मिलवा दो। जिसके बाद वो लोग सलीमा को धोखे से कम्फर्ट के पास भेज देते हैं। यहाँ पर कम्फर्ट कहता है कि मुझे पता है वो बेटा मेरा ही है, इसलिए प्लीज मैं उसे एक बार मिलना चाहता हूँ। पर सलीमा कहती है कि तुम्हें पता है तुम कितने बड़े चूतिया हो, तुमने यहाँ पर मुझे बुला रखा है, और अगर हम दोनों एक साथ कहीं पर देखे गए तो हम दोनों की फाड़ी जाएगी। पर भाई सब कम्फर्ट के अंदर पिता प्रेम जाग उठा है, तो वो कहता है कोई बात नहीं मैं फड़वा लूंगा, पर प्लीज तुम मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलवा दो। जिसके बाद वो सलीमा के पीछे पड़ जाता है, तो वो भी कहती है कि ठीक है यार जाके मिल ले, तो वो अपने बेटे से मिल लेता है। इसके बाद वो चुपके चुपके से बहाने बहाने मार मुर के किसी तरह से बार बार सलीमा और उसके बेटे से मिलने के लिए आया करता था, लेकिन भाई साहब ये इश्क है ये छुपाए नहीं छिपता। तो कुछ दिनों के बाद श्रुतिया नंदन को भी पता चल जाता है कि कम्फर्ट हमेशा उसकी वाइफ से मिलने आता है, जिस पर उसकी भी फायर हो जाती है। तो वो अगले दिन जाता है कम्फर्ट को मारने के लिए, वो उसे मारने की भरपूर कोशिश करता है पर उसकी ये कोशिश नाकाम कोशिश हो जाती है। जिसके बाद सभी को पता तो चल जाता है कि श्रुतिया नंदन ने ही कम्फर्ट पर वार किया है, लेकिन यहाँ पर अपना कम्फर्ट एकदम डिसेंट आदमी है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं यार जाने दो, लेकिन हेनरी कहता है कि ऐसे कैसे मैं तो उसकी गोटियां कटवा दूंगा, तुम एक बार अपनी गवाही तो दो। यहाँ पर कम्फर्ट गवाही देने से मना करता है, पर भाई साहब ससुर जी हैं वो पावरफुल आदमी है जिसके आगे कम्फर्ट को झुकना पड़ जाता है, और वो सबके सामने गवाही दे देता है, और उसकी इस गवाही पर अपने श्रुतिया नंदन को फांसी की सजा मिलती है। जिसके बाद अगले दिन उसकी फांसी फिक्स थी तो रात में उसे रखा जाता है बांधकर। उसी रात सलीमा उसे छुड़ाने के लिए पहुंची है, पर उसने देखा कि ऑलरेडी कम्फर्ट ने श्रुतिया नंदन को छुड़ा दिया है, क्योंकि दोस्तों एक बार श्रुतिया नंदन ने कम्फर्ट की जान बचाई थी तो उसी बात का उसने धन्यवाद करते हुए उसे छुड़ाया था। सलीमा ये देख करके उससे बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि हाँ मैं कम्फर्ट के साथ ही रहूंगी। कम्फर्ट श्रुतिया नंदन से कह देता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें फांसी की सजा दे देंगे, और अगले दिन हम दोनों भी भाग जाएंगे। जिसके बाद कम्फर्ट जब अपने घर वापस आया तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ सेसिल प्रेग्नेंट है। अब भाई सब कम्फर्ट की फटी रह गई कि आखिर वो रहे तो रहे किसके साथ। एक तरफ उसने अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर दिया है, दूसरी तरफ सलीमा उसका वेट कर रही है। तो वो लेटर लिख करके सलीमा को ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मेरी वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। लेकिन वो जब लेटर लिख रहा था तभी वहां पर सेसिल आकर के सब कुछ पढ़ लेती है और उससे कहती है कि तुम आज तक सलीमा को नहीं भुला पाए, चलो कोई बात नहीं तुम उसके साथ ही चले जाओ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। खैर उनकी ये सब बातें चल रही थी, दूसरी तरफ सलीमा उसका वेट कर रही थी। काफी देर तक वेट करने के बाद भी कम्फर्ट वहां पर नहीं आया तो सलीमा बेचारी मायूस हो जाती है और वो दूसरे कल्ट की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कम्फर्ट अपनी वाइफ के कहने पर वहां से चला आता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो लेट हो चुका था, सलीमा वहां से जा चुकी थी। लेकिन इतने में ही उसका सेफ मिल गया जो उससे कहता है कि मैंने देखा था सलीमा बोट पर नहीं चढ़ी है, मतलब वो आस पास ही कहीं पर गई है। तो कम्फर्ट उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेनरी को जो सलीमा से मिलने आया है, वो उसे गले लगाता है और उससे बताता है कि तुम मेरी ही बेटी हो, जब मैं यहाँ पर नया नया अपॉइंट हुआ था तो मुझे भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी दी गई थी और उसी स्लीपिंग डिक्शनरी से तुम हुई, पर मैं यहाँ का एक बड़ा ऑफिसर हूँ और मेरी शादी हो चुकी है तो मैं चाह कर भी ये सब तुम्हें नहीं बता पा रहा था, लेकिन अब जब सब तुम्हारी जान के पीछे पड़ गए तो मैं एक अच्छे बाप होने का फर्ज निभाऊंगा, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ से तुम भाग जाओ।
तो सलीमा यहाँ से सीधा भाग जाती है दूसरे कल्ट की तरफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेनरी की वाइफ को, जो उसी गंदे ऑफिसर नेवल से कहती है कि तुम किसी तरह से ढूंढ करके सलीमा और कंपट को मार दो। वो भी वहां से निकल जाता है उन्हें मारने के लिए। दूसरी तरफ कंपट ढूंढते ढूंढते सलीमा को पा ही लेता है और यहाँ पर वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन भाई साहब उनकी खुशियों की लंका लगाने पहुंच गया यहाँ पर नेवल, जो अपने साथ हथकड़ी और गन लाया हुआ था। गन से वो उन्हें गन पॉइंट करता है और हथकड़ी वो कंपट के हाथों पर बांध देता है। लेकिन भाई साहब एक हवसी इंसान इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकता है, तो वो कंपट को हथकड़ी लगा करके सलीमा के साथ पेलम पलैया करना स्टार्ट करता है। लेकिन इतने में ही उसे एक उड़ता तीर लगा। जब उसने मुड़कर देखा तो वो एक कल्ट के लोग थे। दोस्तों ये वही कल्ट के लोग थे जिनकी एक बार जान बचाई थी अपने कंपट ने, तो उन लोगों ने इस बार कंपट की जान बचाई है। खैर इसके बाद ये सभी लोग उस कल्ट को ज्वाइन कर लेते हैं और वहीं पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन सलीमा कंपट से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कब तक रहोगे, तुम्हें अपने शहर की याद नहीं आती? तो कंपट कहता है कि नहीं मुझे नहीं आती, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मेरा थोपड़ा देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय।